वर्ल्ड वॉर टू का वो दिन 6 अगस्त 1945 पूरे इंसान इतिहास का एक ऐसा दिन था जो इंसान कभी भी इतिहास में आगे चलकर भी कभी उसे भुला नहीं पाएगा। लिटिल बॉय नाम का वो एटॉमिक बम जब हिरोशिमा के धरती पर गिरा तब एक ही झटके में 80,000 से ज्यादा लोग मौत के गहरी नींद में सो गए थे और उस परमाणु बम का असर आज भी हमें हिरोशिमा के धरती पर देखने को मिलता है। अब आप जरा सोच कर देखो, उस जमाने से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हथियारों वाले इस युग में अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ तो क्या हो सकता है। इसका भी जवाब सदी के सबसे महान जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे ये बात तो नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 में किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होता है तो वर्ल्ड वॉर 4 में बस लकड़ी और पत्थर ही इंसानों का मेन हथियार होगा और इंसान फिर से उसी एंशियंट टाइम में चला जाएगा। अब आपको इस बात की भनक लग चुकी होगी कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। दोस्तों ये बात है साल 1983 की, जब परमाणु युद्ध शुरू ही होने वाला था, वो भी एक गलत फहमी की वजह से। स्टैनिस्लाव पेट्रोव, हम सबको इस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही साल 1983 में पूरी दुनिया को एक भयानक तबाही से बचाया था। 26 सितंबर साल 1983 को सोवियत एयर डिफेंस के रेडार यूएसए से एक आती मिसाइल को डिटेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो लोग सोचने लगते हैं कि ये तो एक अटैक है, हमें भी उनके ऊपर एक पलट वार करना चाहिए, वो भी एटॉमिक बॉम्ब से। तभी स्टैनिस्लाव पेट्रोव कहते हैं कि ये एक फॉल्स अलार्म है, इन्होंने रेडार में कोई खराबी बताई और वापस से अटैक करने को मना कर दिया। फिर बाद में ये बात पता चला कि ये सिग्नल सन की एक रेयर एलिमेंट की वजह से क्रिएट हुआ था। उसके बाद साल 2013 में पेट्रोव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ये बात नहीं जानते थे कि वो एक फॉल्स अलार्म था, उन्होंने वो डिसीजन अपने साथियों की वजह से ले पाए थे। अगर उन्होंने उसे एक फॉल्स अलार्म ना बताकर यूएसए पर अटैक करने को कहा होता तो उस समय एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाती जिसकी वजह से ना जाने कितने लोग मारे जाते और उस न्यूक्लियर बॉम्ब की रेडिएशन आज भी हमें देखने को मिलती और धरती का नक्शा ही आज कुछ बदल चुका होता। हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, इन्होंने सही वक्त पर सही डिसीजन लेकर दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था। और दोस्तों साल 2014 में पेट्रोव पर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था द मैन हु सेव द वर्ल्ड। अगर हो सके तो ये मूवी जरूर देखना। दुनिया में पेट्रोव की तरह समय समय पर ऐसे लोग आते रहते हैं जो सही समय पर सही डिसीजन लेकर दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही और नुकसान से बचा लेते हैं।